नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलफुल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हां, विधानसभा 2023 का संखनाद हो चुका है, बस 5 से 7 ही महीने बचे हुए हैं जब विधानसभा का चुनाव होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार राजनेताओं के मुंह से आप लोग सुन रहे हैं, लगातार हम दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जितने भी मीडिया हैं सारे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की, जहां पर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है अलग बिंदु प्रदेश बनाने का, लगातार उनका मुहिम भी चल रहा था अलग बिंदु प्रदेश बनाने के लिए। अब उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है अपनी नई पार्टी का। नई पार्टी का ऐलान करने के बावजूद भी बीजेपी में जो है हड़कंप मच गया कि अब नारायण त्रिपाठी अलग से पार्टी बना रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इससे पहले मध्य प्रदेश में उमा भारती जब आई थी, उमा भारती ने भी अलग पार्टी बनाई। क्या स्थिति रही सबके सामने रहा। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस से अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी। क्या स्थिति रही सबके सामने है। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी का सीधा सीधा कहना है कि हमें अलग बिंदु प्रदेश दे दीजिए। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, उनका एक इंटरव्यू भी चला था, उन्होंने खुले मन से कहा था कि मुझे 30 सीट दे दीजिए, मैं आपको अलग प्रदेश बनाकर दूंगा। विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि हम मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे और यही जल्दी 2 मई से बाबा बागेश्वर धाम महाराज की कथा चालू होगी, 7 मई को खत्म होगी। इसके बाद ये अभियान जिस तरह पहले हमारा चालू था, अब बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि आप हमें 30 दे दो। शहडोल और रीवा संभाग 7 जिला 30 विधानसभा, जहां भाषा बोली संस्कृत रीति रिवाज रस्म परंपरा खाना पीना पहनावा शादी विवाह सब एक जैसे है। यह 30 विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा। जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पुराना बिंद था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। यह हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 सितंबर 2024 के अंदर बिंद प्रदेश बना के। कहीं ना कहीं पर वो बिंद प्रदेश बनाने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं, लगातार सबसे सहयोग मांग रहे हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा का 2023 के चुनाव पर वो उन्होंने संखनाद घोक कर दिया है कि अब वो अपनी पार्टी के साथ में ही लड़ेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि एक कार्यक्रम होने जा रहा था जिसमें बागेश्वर धाम के महाराज के द्वारा वहां पर कथा करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो स्थगित हो गया ये तो हम नहीं जानते हैं। आइए हम पहले सुनाते हैं कि स्थगन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद में नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक ने क्या कहा, पहले आए सुनिए। सभी लोगों को सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर माँ शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी मैहर वासियों से, सभी बिंद के लोगों से, जो भी जहां इस अपील को मेरी सुन रहा हो, सब लोग उस हनुमान चालीसा के पाठ पर उपस्थित हो और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माई शारदा, हे भगवान बागेश्वर धाम महाराज, मैहर में उस कथा का आयोजन शीघ्र हो, इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। आपने सुना मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा क्या कहा गया, वहां पर चालीसा, हनुमान चालीसा करी जाएगी।
अब कहीं ना कहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है। कई राजनीतिक दल अब ये कांग्रेस के अभी खुलकर कहीं ना कहीं पर आरोप लगाने जा रही हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के प्रचारक हैं बागेश्वर धाम महाराज। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है वो अच्छी तरीके से वही जान सकते हैं। इसमें भी आरोप निकल कर कहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे उनके भी कटाक्ष होंगे और उनका ये बयान सामने आएगा, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जाएगा, धीरे धीरे जो है ये मान के चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। सीधी जिले के कार्यक्रम पे कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। अब उनके द्वारा क्या घोषणा की जाती है सीधी जिलों के लिए? सीधी जिले के लिए अगर मैं बात करूं तो चार विधानसभा यहां पर आता है, जिसपे तीन पर बीजेपी का हमेशा कब्जा बना हुआ है, जिसपे एक पर कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है। क्या वो यथावत सीट रहती है? परिवर्तन होता है, नए चेहरों को तलाशा जाता है? कहीं ना कहीं पे बहुत सारे सवाल भी होंगे। हर सवालों का जवाब देने के लिए पोल 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 बैठेगा, आपके साथ मिलेगा, जनता के साथ में जाएंगे, हम रूबरू होंगे, उनके मन की बात जानने का प्रयास करेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, हम चुनाव की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। जिले से मैं राजू गुप्ता।